प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक सरकारी योजना है जिसमें किसानों को हर साल 3 किस्तों में 6,000 रुपए मिलते हैं। लेकिन इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अभी KYC करवाना होगी। अब बिना EKYC के अगली किस्त नहीं मिलेगी। आप EKYC दो तरीके से करवा सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है तो आप खुद घर बैठे अपनी EKYC कम्प्लीट कर सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर नहीं लिंक है तो आप अपने आसपास के किसी भी CSE सेंटर से बायोमेट्रिक फिंगर के थ्रू अपनी EKYC कंप्लीट करवा सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको EKYC करने का एक कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में या PC में गूगल को ओपन करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे PM किसान, इतना लिखकर आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें एक वेबसाइट देखने को मिलेगी, pmkisan.gov.in। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर हम क्लिक करेंगे। वैसे इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट इस साइट पर भी आ सकते हैं। आपके सामने इसका होम पेज इस प्रकार से शो होगा। अगर आप इसको मोबाइल में ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से डेस्कटॉप साइड में चेंज कर लेंगे जिससे कि अपने फोन में भी प्रॉपर तरीके से खुल सके। अब हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको राइट साइड में EKYC का ऑप्शन मिलेगा जिसको अभी भी कुछ दिनों पहले ही जोड़ा गया है। अपनी EKYC करने के लिए हम EKYC पर ही क्लिक करेंगे। आपके सामने न्यू टैब ओपन होगी, यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे, फिर यहाँ से सर्च पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर गेट मोबाइल OTP पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP यहाँ डालेंगे, फिर यहाँ से सबमिट OTP पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में गेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर जुड़ा है उस पर एक OTP जाएगा, OTP यहाँ डालेंगे, फिर सबमिट फॉर ऑथ पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते आपकी EKYC सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं EKYC इज सक्सेसफुली सबमिटेड। अब भी इस तरीके से अपनी या फैमिली मेंबर के किसी भी सदस्य की EKYC 2 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा होना जरूरी है। अगर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है तो आप अपने नजदीक किसी भी CSE सेंटर पर जाएंगे जहाँ से आप बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन से EKYC कंप्लीट करवा सकते हैं। अगर आप भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपको EKYC करवाना बहुत जरूरी है, वरना आपकी अगली किस्त नहीं आएगी। आई होप आज की वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपके दिमाग में फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। और आप इस YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बगल में लगी इस बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले मिले।